पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के लोकतंत्र की ताकत को आपने पहले चरण में सिद्ध किया है। वहीं पीएम ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को चेताया कि मोदी ना तो बिकता है और ना डरता है और ना ही झुकता है। कांग्रेस ने जो पाप किया है, उसने जो गलतियां की हैं, वो भारत आज तक भुगत रहा है। आज वो सत्ता से बाहर हैं, वो वापसी के लिए सारी हदें तोड़ रहे हैं। कांग्रेस देश भर में वोट किन मुद्दों पर मांग रही है, वो कह रही है कि यह गंभीर बात है, उससे सुधरने की कोई आशा नहीं करें। आजादी से पहले की कांग्रेस अलग थी, गांधी की विदाई के बाद वाली कांग्रेस अलग है। कांग्रेस में ऐसे कीटाणु घुस गए हैं, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि वो जम्मू कश्मीर से सेना को हटा देगी। पूरा देश जलियांवाला बाग पड़ोस की घटना है, पूरा देश जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर शहीदों को याद कर रहा था, श्रद्धांजलि दे रहा था, लेकिन इस संवेदनशील अवसर पर भी कांग्रेस ने राजनीति कर ही डाली। देश के उपराष्ट्रपति जो राजनीति में नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय सरकार के अधिकृत कार्यक्रम के लिए जलियांवाला बाग गए थे।